विनेश फोगाट को 11 लाख 2 एकड़ जमीन देने का ऐलान। हरियाणा के युवक बोले, अपनी कुश्ती एकेडमी खोलें, शोषण मुक्त इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार करें। हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट को पानीपत के अजय पहलवान ग्रुप से जुड़े युवकों ने 11 लाख कैश और 2 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया है। युवाओं ने समालखा कस्बे के आट्टा गाँव में विनेश की कुश्ती अकेडमी खोलने का प्रस्ताव रखा है। युवकों का कहना है कि विनेश इस एकेडमी में बच्चों को शोषण मुक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बना सकती हैं। दरअसल विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में फाइनल मैच से पहले 100 ग्राम वजन ज्यादा मिलने पर डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी। इसके खिलाफ विनेश ने खेल कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में याचिका लगाकर सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की है। आज विनेश की याचिका पर फैसला आ सकता है। बोले, सरकार ने सुशील पहलवान को जमीन दी, हम विनेश को देंगे। समालखा की पंचवटी कॉलोनी के रहने वाले अजय ने बताया कि वो मूल रूप से देहरा गांव का रहने वाला है। जब से उन्होंने विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने की खबर सुनी है, तब से वे बहुत दुखी हैं। उन्होंने जंतर मंतर पर भी विनेश का साथ दिया था। पेरिस ओलंपिक में भगवान को बेशक मेडल मंजूर नहीं है, लेकिन देश विनेश के साथ है। विनेश का दिल टूट रहा है। पूरे देश को विनेश के मान सम्मान करके इस दुख की घड़ी में उसका साथ देना चाहिए। विनेश को परेशान देख हमारे मन में आई कि हम किस तरह से उसका साथ दे सकते हैं। इसलिए हम सभी युवा एक हुए और विनेश के नाम 11 लाख रुपए कैश इकट्ठा किया, साथ ही एकेडमी के लिए 2 एकड़ जमीन देने का भी ऐलान किया। सरकार ने सुशील पहलवान के नाम जमीन दी थी, इसी तर्ज पर हमने जमीन देने का प्रस्ताव रखा है। परिवार से सलाह कर जमीन दे रहे विनेश को 2 एकड़ जमीन देने वाले कुणाल ने बताया कि मुझे हाल ही में बेटी पैदा हुई है, मैं चाहता हूं कि वो भी खेल में आगे जाए, लेकिन विनेश के सारे मुद्दे देखते हुए मन बहुत डरा हुआ है। विनेश के साथ पहले जंतर मंतर पर शोषण हुआ, वो हालातों से लड़ती हुई पेरिस ओलंपिक तक पहुंची, यहां भी उसके साथ शोषण हुआ। अगर बेटियों के साथ ऐसा होता रहा तो बेटियां आगे कैसे बढ़ेंगी। इसलिए परिवार से सलाह कर विनेश के नाम जमीन देने का ऐलान किया है। इस जमीन पर विनेश जब भी कहेगी अकेडमी खुलवा देंगे, उस वक्त जमीन की रजिस्ट्री भी विनेश के नाम कर देंगे। हम चाहते हैं कि विनेश अब आने वाली पीढ़ी को अपने तरीके से तैयार करे।